इस वीडियो में हम स्पेसिएशन और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो स्पेसिएशन जो है इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसमें जो एक पेरेंट स्पीशीज है उसकी स्प्लिटिंग से दो डिस्टिंक्ट स्पीशीज बन जाती हैं ठीक है तो क्या क्या कॉजेज हैं स्पेसिएशन के इसमें सबसे पहले है जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इट इज बेसिकली अ चेंज इन द एलेिक फ्रिक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू चैन इवेंट चैंस इवेंट जो है ये क्या हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स जो है उनकी डेथ हो सकती है ड्यू टू अ डिजीज और समथिंग लाइक दिस और कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं माइग्रेट करके इमिग्रेट कर सकते हैं या इमिग्रेट कर सकते हैं दोनों केसेस में क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है उसकी अलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी ठीक है ड्यू टू चैंस इवेंट और इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ठीक है नेक्स्ट म्यूटेशन की वजह से हो सकता है नेचुरल सेलेक्शन की वजह से और जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से जो है वो स्पेसिएशन हो सकती है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन स्पेसिएशन जो है ये बेसिकली चार टाइप्स की है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन और पैरापैट्रिक स्पेसिएशन इनको हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे तो so, सबसे पहले है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन जो है ये एक ऐसी स्पेसिएशन है दैट इज बिकॉज ऑफ जियोग्राफिक आइसोलेशन जिसमें एक पेरेंट पॉपुलेशन से इंडिविजुअल्स जो है ये माइग्रेट कर जाते हैं तो फॉर ऑफ रीजन्स दूसरी प्लेसेस पे माइग्रेट कर जाते हैं जिसकी वजह से उनमें फिर कांटेक्ट जो है जो मेन पॉपुलेशन है उससे उनका कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो जो माइग्रेट uh, करके इंडिविजुअल्स गए होते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इन न्यू स्पीशीज़ जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो मेन लैंड फिश है ये एक्वेडर जो है यहाँ से माइग्रेट की टू तो वर्ड्स आइलैंड्स ठीक है और गलेबगस आइलैंड्स पे जाके 14 स्पीशीज ऑफ फिंचज़ जो हैं वो इवॉल्व हुई फ्रॉम अ सिंगल मेन लैंड फिंच ठीक है तो दिस वाज बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन और वहाँ पे जो नए हैबिटेट्स थे जब उनने एक्सप्लोर किए न्यू हैबिटेट्स तो उन हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर एडेप्टेशन जो हैं वो मौजूद थी जिसकी वजह से वो इवॉल्व हो गई इनटू फोर्टीन डिफरेंट स्पीशीज़ ठीक है और उनमें जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन थी कोई मीटिंग नहीं थी तो इस वजह से क्या हुआ कि वो नई स्पीशीज में इवॉल्व हो गई ठीक है और इस केस में एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के केस में जो फिजिकल बैरियर डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है ठीक है डेजर्ट हो सकता है कोई रिवर हो सकता है नेक्स्ट है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन जो है ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की एक टाइप है बिकॉज ये भी जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होती है लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल्स uh, हैं वो पेरेंट पॉपुलेशन से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते ठीक है तो इसमें क्या होता है कि एक जो मेन पॉपुलेशन है पेरेंट पॉपुलेशन जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं इसके कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो ड्यू टू सम फैक्टर्स आइसोलेट हो जाते हैं फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन ठीक है तो इनको हम कहते हैं दिस इज़ द फाउंडर पॉपुलेशन ठीक है और इसमें जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है इवन कुछ केसेस में एक सिंगल फर्टिलाइज्ड फीमेल जो है इससे भी एक नई पॉपुलेशन जो है वो बन सकती है ठीक है तो अब इस पॉपुलेशन का साइज बहुत स्मॉल है तो इट मींस कि इसके अंदर कोई भी म्यूटेशंस जो हैं वो अगर आएंगी तो उनका एक फार रीचिंग इफेक्ट होगा एज कम्पेयर टू द लार्जर पॉपुलेशन यहाँ पे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं दीज आर द मेल्स विद ट्रेड्स ठीक है तो इनका इस जब ये इंटरप्रिट करेंगे इस लार्जर पॉपुलेशन में तो चांसेस हैं कि ये म्यूटेशन जो हैं ये इस पॉपुलेशन में से ख़त्म भी हो सकती हैं लेकिन जो स्मॉलर पॉपुलेशन है इसमें अगर ये इंडिविजुअल्स मौजूद हैं तो ये म्यूटेशन जो हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती जाएंगी ठीक है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इस स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर इन ब्रीडिंग होगी तो इनका जो जीन पूल है या जेनेटिक मेकअप है ये डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट पॉपुलेशन

और सब इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्लोज अप्रॉक्सिमेटी में रह रहे हैं एक दूसरे के की के केस में न्यू स्पीशीज डेवलप्स स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू चेंज इन और फूड सोर्स ठीक है जैसा कि अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हम देखते हैं कि इंडिगो बर्ड जो हैं ये ऐसे बर्ड्स हैं और ये अपने जो हैं ये दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में ले करते हैं ठीक है तो जब एग्स हैच करते हैं तो जो चिक्स होते हैं उनके इंडिगो बर्ड के चिक्स होते हैं वो जो होस्ट स्पीशीज जिसके नेस्ट में वो रियर हो रहे हैं तो उन्हीं का सॉन्ग जो है उसको लर्न करते हैं ठीक है तो मेटिंग जो है ये उन इंडिगो बर्ड्स में ज़्यादा लाइकली होगी इसके ज़्यादा चांसेस होंगे जो कि सिमिलर होस्ट स्पीशीज़ के नेस्ट में रियर हुए हैं ठीक है मिसाल के तौर पे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये इंडिगो बर्ड्स जो हैं दीज आर रेयर्ड बाय ब्लैक वैलिड फायर ठीक है तो जो मेल है ये ब्लैक वैलिड फायर फिंच सॉन्ग जो है इसको मिमिक करेगा और फीमेल इंडिगो बर्ड जो है वो उसको प्रेफर करेगी जो कि ब्लैक बैलेड फायर फिंच सॉन्ग जो है उसको रहा कराए बिकॉज ये दोनों जो हैं ये ब्लैक बैलेड फायर जो हैं उनके नेस्ट में रियर हुए हैं ठीक है तो वो uh, जो मेल है वो उस सॉन्ग को जो है उसको लर्न uh, किया है और फीमेल ने उसको जो है वो परसीव करना जो है उसको लर्न किया है ठीक है वो उसने उसको इम्प्रिंट किया है तो इसलिए वो बर्ड्स जो कि सेम टाइप ऑफ होस्ट के नेस्ट में रियर हुए हैं उनमें मीटिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे इट माइट लीड टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन नेक्स्ट है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन जो है इस केस में जो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं वो एक ही एरिया में रह रहे हैं एक ही एरिया जो है उसको ऑक्योपाई कर रहे हैं लेकिन जो है उनके हैबिटेट्स स्लाइटली सेग्रीगेटेड होते हैं एक दूसरे से जिसकी वजह से स्मॉल लोकल पॉपुलेशंस बन जाती हैं जिनको हम डीम्स कहते हैं और जो मेटिंग है या ब्रीडिंग है वो ज़्यादा लाइकली है विद इन दीज डीम्स ठीक है तो इन स्मॉलर पॉपुलेशन के दरमियान मेटिंग मेटिंग के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे मिसाल के तौर पे एक पॉन्ड जो है उसके अंदर जितने भी फ्रॉग्स हैं ठीक है वो सारे जो हैं वो एक डीम बना रहे हैं या एक टाइड पूल जो है उसके अंदर जो सी अर्चंस हैं दे मेक अपीम ठीक है तो इंडिविजुअल्स ऑफ अ डीम आर मोर लाइकली टू ब्रीड विद वन एंड अदर ठीक है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम इस रेंज uh, में रहने वाले इंडिविजुअल्स जो हैं इनमें मीटिंग जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हुई है जिसकी वजह से इनका जो जीन पूल है वो स्लाइटली डेविएट कर गया है फ्राम दैट ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट ऑक्योपाई दिस रेंज ठीक है तो ये लोकल पॉपुलेशन बन गई हैं जिनको हम डीम्स कहते हैं ठीक है तो इन दोनों के दरमियान एक हाइब्रिड जोन होगा ठीक है जहाँ पर इंडिविजुअल्स फ्रीली माइग्रेट कर रहे हैं ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि ये डीम्स जो हैं इनका जो जेनेटिक मेकअप है ठीक है वो डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम दैट ऑफ ईच अदर ठीक है तो एक जो पॉपुलेशन है एक स्पीशीज जो है उससे स्प्लिट होके तो दो न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो बन गई हैं ठीक है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेशिएशन एंड दिस इज पर्टिकुलरली पैरापैट्रिक स्पेसिएशन